आंदा जिस दे नाल मैं रोजी मंगदा ओ रच मरिया है हमारा ओ दर दर दे मैं ओके मंग के करदा। अरे मिर्गी का दौरा पड़ गया क्या यार गाना गाते गाते। ओ दर दर दे मैं टुकड़े। So, hey guys, it's me, धीरू बांचेक। स्वागत आपका एक नई वीडियो में और आज हम बात करेंगे काफी सारी चीजों के बारे में। मतलब वीडियो कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है लेकिन वीडियो बनाना ही बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस महीने मैंने ज्यादा वीडियोस पोस्ट नहीं की है। गाने बनाने में बिजी हूँ। सबसे पहले तो मुझे एनर्जी डालनी होगी वीडियो में। गाने से याद आया दोस्तों, तुमने वो श्रीलंकन सॉन्ग सुना है मनिका लेता मिती ऐसे ही कुछ है। ये गाना इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है लेकिन भाई इसको सुनने के बाद सबका रिएक्शन ये है। समझ है ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। समझ कुछ नहीं आया लेकिन सुन के बड़ा अच्छा सा लगा। भाइयो मजा आ गया। भाइयो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया था, मेरा भी फेवरेट बन गया था। लेकिन फिर उसके बाद इस सॉन्ग का कवर सॉन्ग हीरो आलम ने अपनी सुरीली आवाज में बना दिया। इसके बाद मुझे इस गाने से नफरत हो गई है भाई, नफरत। साला अच्छे खासे गाने की मदर सिस्टर एक कर दी इस भड़ोवे ने। हीरो आलम वाला गाना सुनने के बाद लोगों ने अपने पिछवाड़े में झाड़ू डाल के हैरी पॉटर बन के मून पे जाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। आर यू कॉमेडी मी? मून से ज्यादा है भैंचो ये बीटीएस वाले भाई। साला मून गिफ्ट करा जा रहा है इनके बर्थडे पे। हमारे बर्थडे पे कोई हमें एक पेन गिफ्ट नहीं करता साला। अभी BTS आर्मी शुरू हो जाएगी। हाँ तो बहन जो तू कौन सा उनकी जितना फेमस है जो भाई हो जो। लेकिन साला मून गिफ्ट कर दिया भाई इस लौंडे को। मून नहीं, मून पे लैंड गिफ्ट कर दिया। सॉरी सही है, अच्छा है। मैं भी अच्छे अच्छे गाने बनाऊंगा, फैन बेस क्रिएट करूंगा, फिर मुझे मून नहीं तो कोई भैंचो अपनी 2 बीघे जमीन गिफ्ट कर देगा। ए तुलसी मत टूट। दुआ नारी मनहारी सुकुमारी नमथमा सुकुमारी। हीरो आलम ने गाने की बढ़िया करके मारी की गाने में बकचोदी काट दी सारी की सारी। ये सुंदर नारी जो अच्छा गारी, ये भैंचो एक नंबर का चूतिया जन्नत में जारी। इसने हमारे कान की गांड मारी भैंचो। कानों की गांड होती है दोस्तों, छेद देख रहे हो गोल गोल, ये वो कान का गांड का। भाई कुछ से कुछ मिक्स हो जा रहा है इसके गाने में एकदम। भाई क्या चल रहा है भाई, जो मैं पागल हो जाऊंगा और नहीं सुन रहा। बादशाह ऑन हिज वे टू कोलैब। सही में हैकर ना इससे क्यों कोलैब करके बादशाह भैया, यार सीधे इसी के साथ कर लेंगे ना लड़की के। गरीबों का टोनी का कर ना भैंचो। यार टोनी भैया इतना गंदा नहीं गाते यार, आवाज अच्छी है लिरिक्स तो अच्छे नहीं लिखते हैं बस वो। बेस्ट सिंगर फ्रॉम सेक्शन डी ट्रू भैंचो ट्रू। और भाई सेक्शन डी का सिंगर अगर गाना गाएगा तो ये म्यूजिक नहीं चलेगा, थप्पड़ और लातों का म्यूजिक चलेगा पीछे। कम से कम उसे लिरिक्स तो मालूम है। तुझे मालूम है? नहीं। मुझे मालूम है नहीं ना, तो ये गलत भी गा देगा तो भयंकर हमें कहाँ पता लगेगा भाई। मनी के मागा हिते बस इतना समझ में आता और आगे कुछ नहीं। मेरे ईयरबड्स खराब हो गए रे। अच्छा भाई यार तुमने भी ईयरफोन लगा रखे हो तो सॉरी यार, तुम्हारे कान वान से खून बह गया हो तो। कोई भोसड़े का कमेंट में ही नहीं लिखेगा बहन तेरे गाने से तो ये अच्छा ही है। दिस कमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, चैनल से ब्लॉक कर दूंगा सालों तुम्हें ऐसा कमेंट कर दिया किसी ने तो। समझा क्या? तो जैसे कि तुम्हें याद होगा नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड मेडल लेके आए थे जैवलिन थ्रो में, तो भाई उनके बहुत ज्यादा आजकल इंटरव्यू हो रहे हैं और उन्हें भाई हर जगह पे एम्बैरेस किया जा रहा है साला, अजीब अजीब से सवाल पूछ के अजीब अजीब सी चीजें करके। मैं पूरी इंडिया की तरफ से आपको जादू की झपकी देना चाहूंगी, चलेगा क्या? जी थैंक यू। आप भी दे दो ना। जी ऐसे नमस्ते ऐसे दूर से। ये चिचा भयंकर जो कब चल बसे उनका ये नहीं पता है। वो हमारे नीरज भैया से सवाल पूछते हैं कि सुन लो भाई, मैं तो बोलता हूँ भाई हंस दूंगा बहन, तुम्हें समझ नहीं आएगा, चचा के मुंह से ही सुन लो। राजीव सेठी, राजीव इफ यू कैन प्लीज गो अहेड। नीरज जी, अजय भाई कितने
सुंदर नौजवान है आप। वाह भाई, चाचा तो एकदम तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, कितने सुंदर नौजवान है। हाँ भाई, स्मार्ट तो है हमारे भैया जी। करोड़ों लोग पूछना चाहते हैं मगर हिचके चाहते हैं, तो मैं तो पूछ लेता हूँ। ये आपकी जो एथलेटिक ट्रेनिंग है उसका आपकी सेक्स लाइफ से कैसे संतुलन बना के रखते हैं आप? ओ भोसड़ी वाले चाचा, ओ चाचा थोड़ा रेस्ट कर लो, नहीं तो रेस्ट से पीस हो जाओगे। सेक्स लाइफ से कैसे संतुलन बना के रखते हैं? बहन जो इस उम्र में तुम इस क्वेश्चन का आंसर जान के करोगे क्या? ना तो तुम एथलीट बनने के काबिल हो इस उम्र में, और शायद ना ही संभोग करने के काबिल होगे। बाकी मुझे नहीं पता भाई। उसका आपकी सेक्स लाइफ से कैसे संतुलन बना के रखते हैं आप? सर सॉरी डार्लिंग सांझ में मगनी ले गया सॉरी डार्लिंग। सॉरी बस सॉरी बोल दिया आपको, यही से आप जान सकते हैं। सॉरी नहीं बोल रहा था भैया जी, चार गालियां देनी थी बैचो। नीरज भैया मैं कह रहा हूँ अपना भाला लेके ना बुड्ढे की सीधे गाना में डाल दो, इसकी सेक्स लाइफ हसीन बना दो तुम एकदम। अबे बंदा भाई गोल्ड मेडल लेके आया, कुछ रेस्पेक्ट दिखाओ। लाइव इंटरव्यू चल रहा है उसको, से सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेक्स लाइफ से कैसे संतुलन बना के रखते? मुझसे कोई ऐसा पूछता भाई सामने सामने में तो गाली दे देता बुड्ढे को साले को। और जरा चाचा के चेहरे की मुस्कान देखो बे, तुम ढलने का नाम नहीं ले रही है। शर्म करो बे दोनों बुड्ढो सालो। कैसे कैसे सवाल पूछ रहा हूँ हमारे भैया जी से। भाई नीरज चोपड़ा ने मना कर दिया क्वेश्चन का आंसर देने से कि नहीं सॉरी मैं नहीं दे सकता इसका जवाब, लेकिन मैं जो चाचा एकदम कसम खा के आए हैं बवासीर की दवाई के साथ अपनी सुबह सुबह, कि सवाल का जवाब जानना तो जानना, फिर से पूछ लेता बहन चो। ये बताइए कि जो जवान लोग जो स्पोर्ट्स करते हैं, अब सेक्स तो नेचुरल है मगर आप उसका संतुलन कैसे बना के रखते हैं आपकी एथलेटिक ट्रेनिंग के साथ? जिंदगी में से कुछ नहीं चाहिए, बस संभोग चाहिए। चलो ठीक है, खत्म करते हैं, तुम्हें वीडियो देख के मजा आया हो तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा। कमेंट कर देना ठीक है, अच्छा लगा वीडियो का जो भी पार्ट तो।